एंड इसमें से दोनों पे अपना व्यू दीजिए। शॉपर स्टॉप रिपोर्ट से कहती है अंडरवैल्यूड है, चल सकता है, चार्ट्स पे कितना मजबूत है। और एलटी फूड्स जिसमें जिनकी भी पोजीशन है, नए टारगेट्स क्या रखे वो? पहले एलटी फूड्स या दावत की बात करें, दावत मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, बहुत अच्छा वर्टिकल मूव भी, फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन खत्म हुआ और वापस एक बार वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चल रहा है। जो करेक्शन आई थी करीबन 62 से लेके 52 तक, वो वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो रहे थे। इसका मतलब क्या था कि सप्लाई नहीं आ रही थी, सिर्फ करेक्ट हो रहा था स्टॉक। अभी ये स्टॉक वापस वॉल्यूम के साथ ऊपर चल रहा है, तो मेरा मानना है कि ये जो नया टॉप था, पहले टॉप था करीबन 61 का, वो इजीली क्रॉस करता नजर आएगा। और मेरा टारगेट अगर मीडियम टर्म देखे अगले एक महीने डेढ़ महीने का, तो 75-80 तक जाने की संभावना इसमें बनती है। दूसरा कौन सा स्टॉक कहा था डिप्पी आपने? मेरा दूसरा शेयर था एक्चुअलिटी फूड्स था और दूसरा मुझे लगता है कि 330 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, पर मैं इतना बुलिश नहीं हूँ शॉपर स्टॉप के स्टॉक पे।